नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक चावड़ा। हम अभी अपने ओडिशा के फार्म दमईपाली में हैं। यहाँ पे हम भट्टी की फसल लगा के रखे हैं लगभग 20 एकड़ में। यहाँ पे हमने दो वैरायटी लगा के रखी है, एक है वीएनआर का उत्कल जो कि हरे किस्म का भाटा होता है, और एक है वीएनआर का 212 जो कि काले किस्म का भाटा होता है। आप यदि इस फार्म में देखेंगे तो हमारी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है रो से रो का। उसका कारण है कि हम यहाँ पर स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं तो उससे जो हम एयर ब्लास्ट स्प्रे यूज़ करते हैं ट्रैक्टर में, उसके कारण हमें कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। पूरी कैनोपी में अच्छे से कवरेज होने से कारण किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पूरी कैनोपी बहुत अच्छे से केमिकल से कवर हो जाती है। मैंने मुख्यतः यह देखा है कि जो भी भाटे की खेती करते हैं किसान, उनके पास सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बोरर की आती है, जो कि हिंदी में हम तना छेदक या फल छेदक भी बोल सकते हैं। बोरर जो है भाटे की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कीट होता है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि हम बोरर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हम सबसे पहला इसमें जो मूल मंत्र इस्तेमाल करते हैं वो है कि एक अच्छी स्पेसिंग रखना। एक अच्छी स्पेसिंग रखने के कारण हमें खुली जगह बहुत मिलती है, और यदि प्यूपेशन जो होता है बोरर का, यदि किसी कारणवश कहीं बाहर गिरा तो वो तेज़ धूप में या किसी दूसरे कारण से जब ट्रैक्टर चलता है तो वो मरने की उसकी बढ़ जाती है। और दूसरा बात, अगर आप बोरर कंट्रोल करना चाहते हैं तो बोरर को अच्छी तरीके से समझना होगा हमें। बोरर के चार लाइफ के स्टेजेस होते हैं। एक होता है उसका अडल्ट मौत या जो हमें मक्खी की तरह दिखता है, दूसरा उसका अंडा, तीसरा होता है उसका इल्ली वाला हिस्सा, और चौथा है जिसमें कि वो प्यूपेशन होता है और वो सॉइल में चला जाता है, वो हमारी मिट्टी में रहता है, उसका प्यूपे जो होता है। तो यदि एक तरीके से हम उसका फसल चक्र देखें तो मौथ जो होता है, जो अडल्ट है, वो अंडे देता है। अंडे हैच होकर के फूट करके हमारे पेड़ की कोमल जगहों पे ही सबसे ज़्यादा वो अंडे देते हैं। ऐसे या तो वो फूल में देंगे और या तो वो बाहर के फोंक में देंगे। वो कोमल जगह पे ही ज़्यादा अंडे देते हैं, ताकि जब उनका अंडा फूटता है और जो इल्ली होती है वो तुरंत ही छेद करके स्टेम के अंदर या वो जो फ्लावर में दिया है, जब वो फ्रूट बनता है छोटा सा, उसी समय उसके अंदर चला जाता है और पीछे से अपना मल डाल करके उस छेद को बंद कर देता है। इस कारण से कोई भी केमिकल अंदर नहीं पहुँच सकता। तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है कि जब हम उस इल्ली के ऊपर स्प्रे करके उसे मार सकते हैं। तो अब बोरर को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले मेरे ख्याल से उसके अडल्ट को कंट्रोल करना चाहिए, उसके मौत को, उसकी मक्खी को। उसकी मक्खी जो होती है वो लाइट की तरफ बहुत आकर्षित होती है। तो हम रात को ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं, जिसमें हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे केल्डान या म्योथ्रिन हो गया। इससे जब ट्रैक्टर की लाइट जब रात को चालू होती है तो उसके सारे के सारे एडल्ट ट्रैक्टर की लाइट की तरफ आकर्षित होकर के आते हैं, और पीछे से जैसे ही उस पर स्प्रे पड़ता है तो वो मौत वहाँ पे मर जाता है। जब हम ये देखते हैं, हम यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप्स भी लगा करके रखे हैं, तो जब हम ट्रैप्स में देखते हैं कि जब एडल्ट की मात्रा ज़्यादा पकड़ में आ रही है, उस समय हमें मालूम चलता है कि एग लेइंग भी हुई है, तो अंडे काफ़ी होंगे हमारे पास। तो उस समय अंडे को कंट्रोल करने के लिए हम एबामेक्टिन या सेलक्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उस समय हम अंडों को नष्ट कर देते हैं। तो आप वहाँ पर उसकी दूसरी लाइफ साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। तीसरा होता है उसका इल्ली वाला स्टेज, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है हमारे पास। तो उसमें आप एमामेक्टिन है, कोराजन है, और स्पिंटार है, इन और लार्विन, इन चारों केमिकल का यूज़ करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और प्यूपे को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिट्टी में होता है। तो उस कारण से यदि आप अपनी कैनोपी को दूर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, आप उसके कारण वो अंडे मर सकते हैं। और मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्च के ऊपर यदि उसका प्यूपे गिरता है तो वो पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं जा पाएगा और उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें एक और बहुत मुख्य हम चीज़ कर सकते हैं कि यदि बोरर की इस टहनी पे यदि आपको बोरर मिलता है तो ये टहनी मुरझा जाएगी। फिर आप बोरर वाली नीचे, जहाँ पे भी बोरर का छेद है, आप उसके नीचे से उस टहनी को काट लीजिए और एक बैग में भर करके या तो उसे जला लीजिए या तो उसे मिट्टी में अंदर दबा दीजिए।
कम से कम 1 से 1.5 इंच की मिट्टी से उसे दबाना जरूरी है, ताकि वो जो इल्ली है वो फिर से अडल्ट ना बन सके या प्यूपे ना बन सके और प्यूपे बनकर बाहर ना आ सके। यदि वो दब जाता है वहाँ पे मिट्टी के अंदर तो वो बाहर नहीं आ पाएगा और वहाँ पे भी उसकी एक लाइफ साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इन कुछ छोटी बातों का आप ध्यान रख के बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक और मुख्य कारण होता है, हम यहाँ पे हर साल भट्टे की खेती नहीं करते हैं। हम यहाँ पे इस साल अगर भट्टे की खेती किए हैं तो अगले 1 या 2 साल तक हम यहाँ पे दूसरे किसी किस्म की खेती करेंगे, उसी के बाद फिर से हम भट्टे की खेती कर सकते हैं। ऐसा करने से बोरर की जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक होती है, जो उसका प्यूपेशन हुआ है वो आगे अगर अभी इस साल हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी यदि फूटता है तो उसके पास भट्टा नहीं होगा तो वो वहाँ पे मर जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो बोरर है, जो भट्टे का तना छेदक है, वो सिर्फ भट्टे में ही लग सकता है, वो किसी दूसरी फसल में नहीं लग सकता। तो यदि आप दूसरी फसल लगाते हैं और उसको ब्रेक देते हैं भट्टे से, तो आपको एक बेहतर बोरर कंट्रोल करने का निदान मिल सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों।